हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मिटोमी किचन्स। जब टाइम हो कम और खाने का मन हो कुछ चटपटा सा डिनर में, तो हम बनाते हैं आज प्रेशर कुकर में सोयाबीन और आलू की ये सब्जी, जिस जो बनती है बहुत ही झटपट और खाने में है ये बहुत ही झटपट झटपटी। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम इस सोयाबीन चंक्स को गुनगुने पानी में 5 मिनट के लिए आप भिगो के रख दें। उसके बाद इसकी पानी निचोड़ लें, ठीक है। तो गुनगुने पानी में डालेंगे तो बहुत जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाती है। इस तरीके से हमने पानी निचोड़ कर रख लिया है। अब एक कुकर में तेल गर्म करेंगे थोड़ा सा, और उसमें आलू इस तरीके से काट के एक मीडियम साइज़ के आलू को आप 3 पीस में काट सकते हैं, या फिर छोटी आलू तो 2 पीस में काट दें। इस तरीके से आलू को काट लें, अपने मन की जो भी पसंद की शेप है उसमें काट लें। इसमें हल्दी और नमक डालकर इसे अच्छी सी गोल्डन सी फ्राई कर लेंगे हम। अब इसमें सोया चंक्स डाल के सोया चंक्स को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। आलू अगर आप फ्राई करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो ज़रूर से आलू फ्राई करें। अब इसमें तेल डालेंगे, 2 चम्मच के करीब तेल डाला है मैंने। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा और रफली चॉप्ड कीवी प्याज डाल दें। जस्ट ऐसे ही रफ चॉप्ड कीवी, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा महीन आपको करना है। बस रफ चॉप्ड प्याज डाल दें। इसमें 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट डालें। इस तरीके से गोल गोल टमाटर काट के डाल दें। सिंपली, मतलब मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जस्ट जैसा आपका मन है वैसा काट दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कुकर में गल जानी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। दोस्तों, इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे या फिर स्वाद के अनुसार। फिर इसे ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगी, देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाले थोड़े भुन चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी। ठंडा पानी मैंने इसलिए डाला क्योंकि अभी जो मसाला है वो गर्म है, अभी इसमें दही डालना है। अगर गर्म गर्म में डालेंगे दही तो दही फट जाएगी, इसलिए आप थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें ताकि मसाला ठंडा हो जाए और इसमें आप दही डाल के दही को मिक्स कर लें। दही मिक्स करने के बाद अब इसमें फ्राई किए हुए सोया चंक्स और आलू को डालेंगे। 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे सब्जी मसाला पाउडर और चुटकी भर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत ही गजब की टेस्ट लाती है इसमें, तो ज़रूर से ऐड करें। एंड अच्छे से इस तरीके से मसाले को मिक्स करके इसमें पानी डाल दें। पानी डालकर इसे ढक्कन लगाकर हम 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी इनफ है, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी आपके आलू भी सोया चंक्स भी। 2 सीटी हो गई है, अब हम लोग खोल के देखते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। लेट मी चेक, आलू भी सॉफ्ट है और सोयाबीन भी सॉफ्ट हो गई है। दोस्तों देखा ना, कितना झटपट से कितना झटपट। 10 बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही ईजी है, एक बार पॉट में सब डालो और बनकर तैयार। तो इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ी सी फ्रेश धनिया पत्ते, और अगर आपको तुरंत सर्व करना है तो थोड़ी गाढ़ी कर ले ग्रेवी को, और अगर देसी सर्व करना तो आप एज इट इज़ रहने दें, वो खुद ही सोख लेती है आलू और सोयाबीन, पानी सोख लेती है। तो चलिए सर्व करते इसे गर्मा गर्म। दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।